हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए एक और सुंदर सा डोरमेट का डिजाइन बताऊंगी। उसके लिए फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये दो कलर में चुन्नी ले ली है। ये मैंने पुरानी चुन्नी ली है, इसकी मैंने 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियां काट ली हैं। देखिए इस तरह से इसकी मैंने पट्टी काट ली है। ये मैंने दो कलर में ली है, मेरे पास रेड और ब्लू कलर था। आपके पास जो भी कलर है आप उसी कलर में बना सकते हैं। आप इसे पुरानी चुन्नी या साड़ी से बना सकते हैं, आप इसे ऊन मैक्रम से भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे आप पूजा आसन में भी यूज कर सकते हैं, डोरमेट में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा हमारा बन के आने वाला है और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। बिगनर भी इसे आसानी से बुन सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पर 22 फंदे डाल लेंगे। देखिए फंदे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से डालूंगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम एक नोट बना लेंगे। ये देखिए ऐसे ये नोट बनाया हमने। और यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। देखिए 20 फंदे मैंने यहाँ पर रेड कलर से डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 फंदे मैंने इसमें रेड कलर से डाल लिए हैं और 2 फंदे मैं यहाँ पर ब्लू कलर से डालूंगी। देखिए ब्लू कलर से डालने के लिए भी हम यहाँ पर एक नोट बना लेंगे। इस तरह से एक नोट बनाया और एक फंदा और डाल लेंगे। एक हमने नोट बनाया, इससे फंदा डल गया और एक ये फंदा डल गया। देखिए फर्स्ट रो से ही हम डिजाइन शुरू करेंगे। उसके लिए देखिए 2 फंदे हम ब्लू कलर से बना लेंगे। देखिए इस तरह से जब हम फंदे डालते हैं तो फर्स्ट रो थोड़ा सा आराम से निकालते हैं। ये देखिए इस पट्टी को आगे की तरफ करेंगे इस तरह से। देखिए और इस पट्टी को भी हम साथ में दबा लेंगे। ये देखिए इस पट्टी को फिर से आगे की तरफ दबाएंगे और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए थोड़ा सा आराम से निकालते हैं इस रो को हम। देखिए ये हमारी जो पट्टी है इसको दबा लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ईजी है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। ये देखिए लास्ट तक हम इसे बना लेंगे इस तरह से। और इस पट्टी को भी देखिए साथ में यहाँ पर दबा लेंगे। ये देखिए एक बार हम इस फंदे में भी दबा लेंगे इसे, फिर ये अच्छी तरह से उल्टी साइड भी हम इस तरह से दबाएंगे तो अच्छी तरह हमारा फिनिशिंग के साथ बन के आएगा डोरमेट। ये देखिए इस तरह से दबाएंगे
और इस फंदे को बना लेंगे लास्ट तक। देखिए सीधी सिलाई में हमें इस पट्टे को फंदे को उतारेंगे, पट्टे को अपनी तरफ करेंगे और जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। जो फंदे जिस कलर से बनाएंगे सीधी सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। देखिए पट्टी को पीछे की साइड करेंगे और ब्लू पट्टी को नीचे से ऊपर की तरफ करके आगे की साइड लेके आएंगे इस तरह से, और दो फंदे हम ब्लू कलर से बना लेंगे, लास्ट वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस पट्टी को इस तरह से ले लेंगे। अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे और यहाँ पर दो फंदे हम रेड वाले ब्लू कलर से बना लेंगे और इस पट्टी को साथ में दबा लेंगे इस तरह से, और बाकी सभी फंदे रेड कलर से बना लेंगे। दो तीन चार पांच छः, देखिए छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह फंदे बनाए और दो फंदे छोड़ देंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे और सीधी रो जो फंदे जिस कलर से हैं वैसे ही बना लेंगे। तो चलिए सीधी रो बनाने के बाद मैं उल्टी रो में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टी साइड पे हम फर्स्ट वाले फंदे को उतार लेंगे। एक बार हमें इसे बनाना है सीधा, पिछली सिलाई में हमें देखिए यहाँ पर इसे सीधा बनाया था और अब हम देखिए दो फंदे फिर से रेड वाले ब्लू कलर से बना लेंगे। एक दो, दो फंदे बनाए और देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और इस पट्टी को देखिए इसमें इस तरह से साथ में फोल्ड कर लेंगे। ग्यारह बारह, और दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। सीधी सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधी सिलाई बिल्कुल सीधा सीधा जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए, देखिए पट्टी को पीछे की तरफ करेंगे रेड वाली को और ब्लू वाली पट्टी को नीचे से ऊपर की साइड करते हुए आगे को लेके आएंगे और इस पट्टी को टाइट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो दो फंदे हमने ब्लू कलर से बनाए थे वे दो फंदे हमारे लास्ट तक ब्लू कलर से ही चलते जाएंगे, और यहाँ पर दो दो करते हुए देखिए दो दो चार, चार फंदे मैंने
रेड वाले ब्लू कलर से बना ले, और दो 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 करते हुए चार फंदे हमने इस साइड छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे हम यहाँ पर, दस फंदे यानी दो दो करते हुए छोड़ देंगे और दो दो करते हुए दस फंदे हम यहाँ तक बना लेंगे ब्लू कलर के। तो देखिए एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको, इस फंदे को हम उतार लेंगे ऐसे, तीन चार पाँच छः, दो फंदे हम रेड वाले फिर से ब्लू कलर के बना लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर इन फंदों को हम एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, और दो फंदे फिर से छोड़ देंगे। तो इसी तरह से देखिए बनाते हुए, दो दो फंदे हम यहाँ पर, दस फंदे इस साइड छोड़ देंगे और दस फंदे इस साइड बनाते हुए दो दो फंदे, दो फंदे ये हमारे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हमारे ब्लू कलर के बारह फंदे रह जाएंगे और यहाँ पर ये दस फंदे हम देखिए कर लेंगे, दस फंदे रेड कलर के इस साइड छोड़ेंगे और यहाँ पर दस फंदे ब्लू कलर के, और दो फंदे हमारे एक्स्ट्रा थे तो बारह फंदे लेके यहाँ तक हम बना लेंगे। तो यहाँ पर बनाने के बाद मैं दस फंदे यहाँ छोड़ूंगी और दस फंदे यहाँ पर लेंगी, उसके बाद आपको ये देखिए दो दो करते हुए हमने दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, दस फंदे यहाँ पर छोड़ दिए हैं पीछे की साइड दो दो करते हुए, और दो दो फंदे यहाँ पर देखिए दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, और दो फंदे हमने ब्लू कलर के लिए थे तो यहाँ पर हमारे बारह फंदे बन के आ गए हैं। देखिए दो दो करते हुए ये रेड वाले हमने ब्लू कलर से बना लिए। अब देखिए हमें ये जो रेड कलर वाले फंदे हैं इन फंदों को रेड कलर से बना लेंगे इस तरह से, जो दो दो करके फंदे छोड़े थे अब की बार उन फंदों को भी हम साथ में बना लेंगे। ये देखिए, अब देखिए इस फंदे को उतार लेंगे, पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे, और जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। सीधी सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सीधी सिलाई जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए, अब रेड वाली पट्टी को पीछे की साइड करेंगे और ब्लू वाली पट्टी को आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरह से, देखिए क्रॉस करवाते हुए आगे की तरफ लेके आएंगे और रेड पट्टी को टाइट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ब्लू वाले फंदे ब्लू कलर से बना लेंगे। पट्टी को पीछे करेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे। इस फंदे को सीधा बनाएंगे, देखिए इस तरह से हमारी प्रॉपर किनारे बन के आ जाएगी। और देखिए अब की बार इस फंदे को उतारेंगे, यहाँ पर देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस फंदे बनाएंगे और दो फंदे, जब हमने इस कले को स्टार्ट किया तो दो दो फंदे रेड वाले ब्लू कलर से बनाते हुए गए थे, अब हम इस कले को, ये हमारी हाफ कले बन के आई है इस तरह से, अब हम इस कले को इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर ब्लू वाले दो दो फंदे रेड कलर से बनते हुए जाएंगे देखिए, और लास्ट के दो दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए लास्ट वाले फंदे तो उसी तरह से छोड़ते हुए जाना है जैसे हमने पहले छोड़े थे, और वापस यहीं से पलट जाएंगे। जब हमने
ब्लू वाले फंदे रेड कलर से बनाए थे, जो ये ब्लू फंदे थे इन यहाँ पर रेड वाले दो दो फंदे ब्लू कलर से बनाते हुए गए थे और इन फंदों को यहाँ पर 10 तक लेके आए थे, दो से बढ़ाने शुरू किए, 4, 6, 8, 10, 12, ये दो तो हमारे एक्स्ट्रा हैं, ये तो हर बार ही चलेंगे और 10 फंदे हमने यहाँ तक बढ़ा लिए थे। अब हमें देखिए सीधी सिलाई में हमें कोई भी फंदा कुछ भी नहीं करना है, सीधी सिलाई ऐसे ही सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से देखिए पट्टी को पीछे की तरफ करेंगे और ब्लू वाली पट्टी को आगे की तरफ लेके आएंगे। इस तरह से ये देखिए और इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पट्टी को पीछे करेंगे और फर्स्ट वाला धागा देखिए सीधा बना लेंगे। अब उल्टी सिलाई में आ गए हैं, इस फंदे को उतार लेंगे। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 दो फंदे हम देखिए यहाँ पर फिर से रेड कलर के बना लेंगे। अब की बार हमें ब्लू वाले फंदे रेड कलर से ऊपर की तरफ लेके जाना है, देखिए, और बाकी सभी फंदे रेड कलर से बना लेंगे। लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ देंगे और देखिए इस पट्टी को साथ में इस तरह से लपेट लेंगे, इस तरह से लपेट लेंगे हम। और लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बना लेंगे। रेड वाले फंदे रेड कलर से बनाएंगे और ब्लू पट्टी को आगे की तरफ लेके आएंगे क्रॉस करवाते हुए, इस तरह से देखिए, और इस रेड वाली को टाइट कर लेंगे। इस तरह से क्रॉस करवाने से हमारा देखिए यहाँ पर गैप नहीं आएगा और अच्छी फिनिशिंग के साथ देखिए इस तरह से हमारा मैट बन के आएगा। पट्टी को पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे ऐसे। तो देखिए इसी तरह से हम दो दो करते हुए ये सभी फंदे यहाँ तक दो फंदे छोड़ देंगे, दो फंदे हमारे पूरे मैट में ये वाले दो फंदे ऐसे ही दो ब्लू कलर से चलते रहेंगे। ये 10 फंदे जो है हमें इन फंदों को रेड कलर से बनाना है। तो देखिए मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ, इस फंदे को उतारेंगे, तीन, चार, पाँच, छः, छः फंदे बनाए और दो फंदे ब्लू वाले रेड कलर से बना लेंगे। ऐसे बना लेंगे। और दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पर 10 फंदे छोड़ देंगे हम और 10 फंदे यहाँ पर ब्लू वाले ये दो दो करते हुए रेड कलर से बना लेंगे। तो यहाँ पर दो फंदे हमारे बच जाएंगे। तो चलिए दो फंदे बचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए दो दो करते हुए हमारे यहाँ पर दो फंदे और बच गए हैं। तो देखिए इस रो में हम इस फंदे को उतारेंगे, ये दो फंदे हमारे हमेशा पूरे मैट में दो दो चलते ही रहेंगे ब्लू कलर से। अब देखिए ये ब्लू वाले दो फंदे हम
रेड कलर से बना लेंगे। और देखिए सभी फंदे यहाँ पर रेड कलर से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से दो दो करते हुए जो फंदे हमने छोड़े थे, अब की बार ये यहाँ पर 10 फंदे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये दो फंदे दो दो करते हुए हमने यहाँ पर 10 फंदे छोड़ दिए हैं और 10 फंदे हमने ये ब्लू वाले रेड कलर से बना लिए हैं। तो इन 10 फंदों को भी हम साथ में बना लेंगे। अब इस तरह से देखिए ये हमने हाफ कली जब बनाई थी उसमें भी ये जो 10 फंदे थे ये हमने साथ में बनाए थे। ये देखिए बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगी। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा। तो देखिए इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से देखिए सीधी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधी रो ऐसे ही सीधे सीधे बुननी है, जो फंदा जिस कलर से है। ये देखिए पट्टी पीछे की तरफ करेंगे रेड वाली। और ब्लू वाली पट्टी आगे की तरफ लेके आएंगे क्रॉस करवाते हुए। इस आगे वाले फंदे को सीधा बना लेंगे ऐसे। देखिए इस तरह से ये हमारी एक कली बनके कंप्लीट हो गई है। इस तरह से देखिए ये हमारी एक कली कंप्लीट है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कली में मैंने आपको पूरा डोरमेट बनाने का तरीका बता दिया है। जैसे हमने इस कली को बनाया है इसी तरह से हम पूरे डोरमेट को बनाएंगे। देखिए यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर फंदे डाले थे, 20 फंदे मैंने यहाँ पर रेड कलर से डाले थे और 2 फंदे ब्लू कलर से डाले थे। तो ये 2 फंदे हमारे पूरे मैट में ब्लू कलर से ही चलेंगे और यहाँ पर रेड कलर से जो 20 फंदे डाले थे उनमें से हम 2-2 करते हुए यहाँ पर 10 फंदे ब्लू कलर से बना लेंगे और यहाँ पर 2-2 करते हुए रेड कलर वाले फंदे हम छोड़ते जाएंगे। और देखिए यहाँ पर हाफ कली होने के बाद हम जो ये रेड कलर वाले फंदे हैं, यहाँ पर 10 फंदे हम रेड कलर के जो छोड़ेंगे उनको 2-2 करते हुए हम इन्हें ब्लू कलर से के वाले फंदे हैं जो इन्हें रेड कलर से बनाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी कली कंप्लीट हो जाएगी। इस एक कली में पूरा डोरमेट बनाने का तरीका है। तो देखिए जिस तरह से मैंने इस कली को बनाया उसी तरह से पूरा डोरमेट बना लेंगे। ये देखिए, तो ऐसे ही देखिए मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। अब देखिए हमने स्टार्टिंग से फिर से इस कली को स्टार्ट करेंगे, दूसरी कली को। ये फंदा उतारा और यहाँ पर देखिए 2 फंदे हम रेड वाले ब्लू कलर से बना लेंगे। जो कली हमने पहले स्टार्ट की थी सेम वही पैटर्न हमने यहाँ पर दूसरी कली शुरू कर दी है और लास्ट के 2 फंदे हम छोड़ देंगे। देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 16 फंदे हमने बना लिए, 2 फंदे हम छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए सीधी सिलाई में कुछ भी नहीं करना है, सीधी सिलाई ऐसे ही सीधा सीधा बना लेनी है।
इसी तरह से इस पूरे मैट को यहाँ पर दो दो फंदे करते हुए, यहाँ पर ब्लू कलर के हम 10 फंदे बना लेंगे और रेड कलर वाले दो दो फंदे करते हुए यहाँ पर छोड़ देंगे। बहुत ही आसानी से आप इस मैट को बना लेंगे और आसानी से आपको जब बनाएंगे ये आपको समझ में आ जाएगा।